दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी 34 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे बनाते हैं। अभी आपको मैं इसकी कटिंग बताती हूँ। और इसकी जो ओपनिंग है वो बैक साइड है, तो सबसे पहले मैं फ्रंट पीस कट करूंगी। 80 सेंटीमीटर लिया है 34 साइज ब्लाउज बनाने के लिए, और इस ब्लाउज को मैं स्लीवलेस बना रही हूँ। जो आगे की लंबाई है वो 15 इंच है। अभी इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो कि स्टिचिंग मार्जिन रहेगा, तो मैंने ये 16 इंच लिया है। शोल्डर है 12 इंच, मुड्डे 6 इंच, जिससे चेस्ट है 34 साइज। तो जब हम इसको तैयार करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। अब ये ऐसे प्रिंसेस कट है तो हम इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेते हैं, और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन, तो टोटल हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये 11.5 इंच लिया है ना। अब जब भी प्रिंसेस कट करें 1 इंच एक्स्ट्रा लें जो कि स्टिचिंग रहेगा इसका, और 2 इंच आप नॉर्मल स्टिचिंग मार्जिन रखें। मुड्डे 1.5 इंच, अभी सेंटर से 3.5 इंच। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हमारा ये 1/2 इंच इधर स्टिचिंग में जाएगा, तो जो तैयार रहेगा सेंटर पॉइंट वो 3 इंच में तैयार रहेगा। मुड्डे से 5.5 इंच, डाउन से 6 इंच, और इसी में हम प्लेट डालेंगे 1.5 इंच के। नेक लेंथ है 6 इंच, 1/2 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ स्टिचिंग मार्जिन। जैसे मैं इसको राउंड शेप बना रही हूँ तो मैं इसको 3 इंच लिया है मैंने इसका, शोल्डर से 3 इंच, सीधा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। और जैसे मुझे राउंड बनाना है तो मैं इसको 1 इंच की गोलाई दे रही हूँ, थोड़ा यू शेप आएगा इसका। तो ये इस तरह से है। अभी जो मैंने 3 पॉइंट दिए हैं इन सेम पॉइंटों पर हम लाइन खींचेंगे। और जो हम ये प्लेट कट करेंगे उसके लिए हम 4 इंच लिया है, तो जो हमारे ये 1.5 इंच की प्लेट आएगी ये हमारा 1/2 इंच जैसे स्टिचिंग मार्जिन है, तो जो सेंटर पॉइंट रहेगा वो 3 इंच रहेगा वन साइड, और 3 इंच दूसरा साइड, तो 6 इंच का सेंटर पॉइंट रहेगा। सेम पॉइंट पे कट करते हैं। अभी जैसे मैंने प्रिंसेस कट का जो पॉइंट दिया है मैं अभी इसको कट नहीं करूंगी, क्योंकि सेम ड्राफ्ट रख के बैक पीस कट करेंगे, और सेम ड्राफ्ट रख के जो साड़ी ब्लाउज है उसको कट करेंगे। वो कट होने के बाद ये मैं जो प्रिंसेस कट का पॉइंट है वो कट करूंगी। तो अभी आपको बैक पीस कट बताते हैं। अभी आपको फ्रंट पीस बताते हैं। जैसे बैक पीस मैंने कट कर लिया, फ्रंट पीस कट कर लिया है, और उसके अपोजिट ही बैक पीस कट करूंगी। तो जो ड्राफ्ट बनाया है हम इसी ड्राफ्ट को रख के कट कर सकते हैं। जैसे बैक लेंथ 1 इंच कम है, जैसे 14 इंच है हमारी बैक लेंथ, और ये फ्रंट लेंथ हमने 15 इंच तैयार में, तो इसमें 1 इंच लिया है, 16 लिया है, और इसमें हम 15 इंच लेंगे। तो हम 1 इंच को इस तरह से आप फोल्ड कर दें जिससे कि आपको इजी रहेगा। तो 1 इंच हमने लेंथ कम कर दी, और 1 इंच हम ये साइड में कम करेंगे जो कि हमने एक्स्ट्रा लिया था प्रिंसेस कट के हिसाब से। तो आप सेम ड्राफ्ट में आप कट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। जैसे
जैसे मैंने मुंडे, लंबाई, चेस्ट सभी कट कर लिया है, अभी नेक कट नहीं किया, तो नेक हमारा डीप है, अभी हम इस ड्राफ्ट को हटा देंगे। तो नेक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना डीप चाहिए। मैं 10 इंच ले रही हूँ और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ स्टिचिंग मार्जिन, तो 10.5 इंच लिया है, 3 इंच शोल्डर से भी, 3 इंच सेम, 3 इंच में निशान लगाएंगे। और जो बैक नेक बना रही हूँ, मैं स्क्वायर बना रही हूँ, आप इसमें कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। जैसे ये एक्स्ट्रा है, इसको कट कर देते हैं। जैसे हमारा बैक पीस कंप्लीट हो गया, अभी आपको इसकी प्लेट के बारे में बताते हैं। सेंटर से 4 इंच और जो प्लेट की लंबाई रहेगी 5 इंच रहेगी। सेम दूसरी साइड डालें और उसके लिए आप इस तरह से यहाँ पर कट दे दें, जिससे आप दूसरी साइड डालने में इजी रहेगा। अब मैं आपको इसकी नेक पट्टी बताती हूँ। तो जैसे हमारा साइड का बचा हुआ कपड़ा रहता है, आप उसी में इस तरह से इसको फोल्ड करें और 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी कट करें। तो ये पट्टियाँ इस तरह से कटिंग होंगी। अब अभी इसको ज्वाइंट करेंगे, तो इसको इस तरह से ज्वाइंट करें क्रॉस में, इस तरह से। इसी तरह आप सारी पट्टियाँ आगे पीछे टू साइड के नेक की कटिंग कर लें। और जो हम स्लीवलेस बना रहे हैं, तो ये आर्म होल में भी हम इसी तरह की पट्टियाँ कट करेंगे और सेम ज्वाइंट करने के बाद इसको डबल फोल्ड करें। डबल फोल्ड करने के बाद आप नेक को और आर्म होल को लगाएं। जैसे मैंने ये सभी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, सेम ड्राफ्ट रख के मैं साड़ी ब्लाउज कट करूंगी और उसके बाद जो प्रिंसेस कट है इसको कट करूंगी। जैसे मैंने साड़ी ब्लाउज को अभी कट कर रही हूँ, तो मैंने ये ब्लाउज को क्लॉथ को डबल फोल्ड कर लिया है और सेम ड्राफ्ट रख के मैं इसको कट करूंगी। अभी मैंने साड़ी ब्लाउज भी कट कर लिया है और लाइनिंग भी कट कर लिया है। अभी आपको जो प्रिंसेस कट का पॉइंट है वो बताती हूँ। जो हमने ड्राफ्ट दिया है, सेम ड्राफ्ट पे हम इसको कट करेंगे। तो ये हमारा प्लेट का ड्राफ्ट है। और जो ये प्लेट है इसको भी कट कर देते हैं, ये इस तरह से आएगी। अब जैसे फ्रंट में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा गुलाई नहीं दी थी, अभी इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा गुलाई देते हैं। तो ये ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया है, ये सेंटर पार्ट है, ये दोनों पीस साइड के हैं। जब आप इसको स्टिच करें, तो सबसे पहले जो ये हमारे लाइनिंग और ब्लाउज पीस है, इन दोनों को साइड से स्टिच कर लें। उसके बाद जो सेंटर पार्ट है इसको भी ऐसे स्टिच कर लें। ये सभी स्टिच होने के बाद आप इस पीस को, फ्रंट पीस को नीचे रखें। जिस फ्रंट पीस आपने इस तरह से सीधा रखा है, और जो ये साइड के पीस हैं इसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। तो आप मुड्ढे की साइड से आप स्टिचिंग स्टार्ट कर डालना, इस तरह से आप स्टिचिंग डालें और सेम दूसरा साइड। जैसे हमको फ्रंट पीस तैयार हो जाए, उसके लिए नीचे हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लिया है जो कि हम अंदर फोल्ड करेंगे, तो आप 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करें। और ये पट्टी कट करने के बाद आप ये सभी जॉइंट होने के बाद ये पट्टी को अटैच करें और अंदर की साइड इसको फोल्ड करके तरपाई कर लें, तो आपका पीस ये नीचे का तैयार हो जाएगा। अब नेक की पट्टी जो हमने कट की है, सेम पट्टियों को आप इसमें अटैच करें नेक में। नेक अटैच होने के बाद आप बैक साइड पीस कंप्लीट करें, तो सेम बैक साइड भी आपको इसी तरह लाइनिंग के साथ में अटैच करें दोनों पीसों को।
जो मैंने प्लेट के पॉइंट दिए हैं वो प्लेट के पॉइंटों में प्लेट डालें। प्लेट डालने के बाद नेक तैयार करें। नेक पट्टी तैयार हो जाए तो इसमें जैसे 1 इंच हम फ्रंट में भी ज्वाइंट कर रहे हैं, सेम 1 इंच पट्टी चौड़ी बैक साइड में भी आप फोल्ड कर दें अंदर की साइड। तो आपका ये पूरा तैयार हो जाने के बाद आप नेक पट्टी तैयार करें। नेक तैयार होने के बाद दोनों शोल्डरों को ज्वाइंट करें। शोल्डर ज्वाइंट हो जाए तो जो हमने ये पट्टी कट करी है सेम पट्टी को आप इसमें आर्म होल में आगे पीछे दोनों साइड लगा लें। अगर आप स्लीव लगाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से आप स्लीव कट करें। जैसे आप राइट साइड में हुक लगाएं और लेफ्ट साइड में काज करें तो इसके लिए मैं 1 इंच चौड़ी पट्टी, जैसे आपका ये सीधा है, इसके ऊपर इस तरह से अटैच करें और स्टिचिंग होने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। जो हम काज पट्टी लगाते हैं उसको आप अंदर की तरफ से लेके इस तरह से स्टिचिंग डालें और इसको इस तरह से फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद अब जो हुक पट्टी आएगी वो इस तरह से इसके ऊपर से आएगी। प्रिंसेस कट ब्लाउज के सिलाई के मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख लें जिससे कि आपको सिलने में इजी रहेगा। अभी आपको मैं ब्लाउज की जैकेट की कटिंग बताती हूँ। तो ये मैंने 35 सेंटीमीटर नेट क्लॉथ लिया है, डिजाइनर नेट है, और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है नेट को। और इसके स्लीव के लिए मैंने सेपरेट क्लॉथ कट कर लिया है। 35 सेंटीमीटर में ओनली मैं जैकेट बना रही हूँ और 25 सेंटीमीटर मैंने उस स्लीव के लिए लिया है। तो जैसे ये क्लॉथ है इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, तो जो ये क्लोज हिस्सा इधर है और ये ओपन फ्रंट में आएगा और बैक साइड में क्लोज रहेगा। तो जो इसकी स्टिचिंग रहेगी ओनली शोल्डर पे स्टिचिंग रहेगी, और जो हम साइड में फ्रंट में डिजाइन देंगे उसमें स्टिचिंग रहेगी, साइड में फिटिंग की साइड स्टिचिंग नहीं रहेगी। तो जो मैंने क्लॉथ लिया है ये ब्लाउज के साइज के हिसाब से लिया है। जैसे 34 साइज का मेरा ब्लाउज था तो 17 आएगा, और ये मैंने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है जो कि हम आगे सिलाई करेंगे उसके लिए। आप जब भी आप कटिंग करें आप अपनी साइज के हिसाब से इसको करेक्ट लें। अगर आपको साइड में क्लॉथ रखना है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। तो ये ओपन साइड है, ओपन साइड में यहाँ पे मैं नेक के लिए पॉइंट देती हूँ। तो इस पीसों को दोनों को एक जैसा कर लेते हैं बराबर। तो जो हम नेक ले रहे हैं वो 2.5 इंच ले रहा है, ये हाई नेक है, और जो इसकी गहराई ले रहे हैं वो हम 2 इंच ले रहे हैं क्योंकि ये फुल कॉलर है। तो आप इस तरह से निशान लगा लें स्क्वायर में, और जो इसकी गुलाई देंगे वो 1 इंच की इसमें गुलाई देना है। तो ये मैंने नेक पॉइंट दे दिया है। अभी आपको इसकी शेप बताते हैं। नाइन इंच तक इसको स्ट्रेट रखेंगे। 9 इंच के बाद अब इसमें हम शेप देंगे। तो जिस शेप देनी है, जो हमारा ये नेक का सेंटर है यहाँ पर, अब इसको हम इस तरह से शेप देंगे इसमें। तो जो शेप दी है सेम शेप पे हम इसको कट करेंगे। जैसे मैंने इसमें शेप दे दी है सेम शेप पे हम इसको कट करेंगे। तो ये फ्रंट नेक कट कर लिया। जब इसको आप स्टिच करेंगे तो इस तरह से आएगा। ये कॉलर है, यहाँ पर कॉलर लगाएंगे हम। तो आप इसको पहले सेंटर में कर लें बराबर, क्योंकि इसमें हम साइड में स्टिच नहीं डालते। तो जो ये 1 पीस है इसको यहाँ से मेजर करें, ये साइड हमारा 7 इंच आ रहा है। सेम दूसरा कॉर्नर से भी मेजरमेंट करें, तो सेम हमारा ये साइड भी 7 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा बीच में गला आएगा
इसको लिखो इस तरह से। तो यहाँ पे हाफ इंच की जस्ट बैक साइड में हाफ इंच की गोलाई देनी है जो कि हम कॉलर अटैच करेंगे। तो सेम हाफ इंच में हम इसको कट करेंगे। अभी जैसे आगे पीछे हमने दोनों गले कट कर लिए हैं, तो अब सेम हम इस पॉइंट को इस तरह से पकड़ने के बाद अभी आर्म होल की कटिंग बताते हैं। तो ये आगे का पीस है और जो क्लोज है ये बैक साइड का है, तो आर्म होल हम यहाँ से कट करेंगे। तो जो शोल्डर ले रहे हैं हम 14 इंच लिया है, तो जैसे 4 फोल्ड लेंगे तो 7 इंच लिया है। मुड्डे 7 इंच, जो गुलाई देंगे 1 इंच, सेम गुलाई पर कट करेंगे और जो शोल्डर से है नेक की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग देंगे। अभी हमारा ये सभी कंप्लीट हो गया है, तो ये इस तरह से आएगा। जो ये पीस है ये आगे की साइड का है, दोनों साइड का, और सेंटर का बैक साइड का पीस है। तो जब आप स्टिच करेंगे इसको तो आपको ओनली शोल्डर से स्टिचिंग करना है, साइड से आपको कोई फिटिंग नहीं देनी है। शोल्डर से स्टिचिंग करने के बाद हम इसमें कॉलर लगाएंगे। कॉलर के लिए मैंने ये डिजाइनर बॉर्डर लिया है, तो मैं इसमें ये बॉर्डर का कॉलर लगाऊंगी। जैसे बैक साइड में आप ब्लैक कलर का प्लेन क्लॉथ लगा के और ये जो नेक है हमारा यहाँ से आप कॉलर स्टार्ट करें, तो ये क्लोज कॉलर आएगा। कॉलर आने के बाद आप यहाँ पे एक हुक्स लगा दें, क्योंकि ये क्लोज रहेगा, ये ओपन नहीं रहेगा। यहाँ पर हुक लगाने के बाद जो साइड है यहाँ पे अंदर आप सेम नेट क्लॉथ या आप कोई भी प्लेन क्लॉथ लेके ब्लैक कलर का ही इसमें अटैच अंदर की साइड फोल्ड कर दें, जिससे कि जो फिनिशिंग है वो बराबर आ जाएगी। और आप चाहें तो इसमें कोई भी कलर की स्मॉल सी लेस लगा सकते हैं, जिससे कि आपका ब्लाउज का लुक और भी ज़्यादा अच्छे से आएगा। अब मैं आपको स्लीव की कटिंग बताती हूँ। तो ये जो कपड़ा है इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया, दो स्लीव एक साथ कट करूँगी और इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। जो हमको इसके आर्म होल के लिए क्लॉथ चाहिए वो 8.5 इंच लेना है, लेकिन ये क्लॉथ हमारा थोड़ा कम है, 7 इंच है, तो हम इसमें 1.5 इंच की पट्टी जॉइंट कर लेंगे। जैसे मैंने ये पीस यहाँ पर इस तरह से रख दिया है 1.5 इंच का। अभी आपको इसकी कटिंग बता दें, जिसलिए मुझे 2.5 इंच की तैयार में चाहिए, तो मैंने इसको 3.5 इंच लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 1/2 इंच शोल्डर में स्टिचिंग के लिए, 1/2 इंच जब अंदर फोल्ड करेंगे उसके लिए। और जो ये गहराई लिए मैंने 8.5 इंच लिया है। इसकी जो मोहरी है वो 12.5 इंच है तैयार में, तो हम जो भी इसको तैयार करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। और इसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और इसको इस तरह से क्रॉस में निशान लगाएं जो हमने 8.5 इंच पे दिया है। ऊपर से 3 इंच पे इसके गुलाई थे। जैसे हम लॉन्ग स्लीव बनाते हैं तो 3.5 इंच में देते हैं, लेकिन ये शॉर्ट स्लीव है इसलिए हमने 3 इंच पे गुलाई दिया है।
तो आप जब स्टिच करने के समय आप ये पहले दोनों पीसों को 1.5 इंच में ज्वाइंट कर लें। ज्वाइंट करने के बाद इसमें 1/2 इंच की एक्स्ट्रा कटिंग दें फ्रंट पीस में। तो जो ये पॉइंट दिया है सेम पॉइंट पर आप इसको कट करें और एक शोल्डर पे सेंटर पॉइंट दें। सेंटर पॉइंट देने के बाद ये कटिंग कर ले। ज्वाइंट करने के बाद आप इसमें अंदर कोई भी 1 इंच का ही सेम क्लॉथ लेके इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दें और यहाँ पर तुरपाई कर दें। तुरपाई करने के बाद जो आपका ये स्लीव साइज है 12.5 इंच, तो 12.5 इंच में आप इसको राउंड तैयार कर ले स्लीव को। जब आप अटैच करेंगे तो हम इस स्लीव को राउंड में अटैच करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे साइड में कटिंग नहीं दी है। तो जैसे ये ऑलरेडी राउंड है, शोल्डर से जब आप स्टिच कर देंगे तो ये राउंड हो जाएगा और स्लीव को भी सेम राउंड में आप स्टिच कर लें। स्टिचिंग करने के बाद आप राउंड शेप में इसको जैकेट में अटैच करें। जैसे आप ब्लाउज सिल लेंगे, ब्लाउज तैयार होने के बाद जो जैकेट है हमारी ये सेफ्रेट जैकेट रहेगी, आप इसको किसी भी ब्लाउज के ऊपर पहन सकते हैं। तो जैसे आप ब्लाउज पहन लेते हैं फिटिंग होने के बाद, तो हम इसको बैक साइड में जो पीस है इसको आपको दिखाते हैं किस तरह से आएगा ये। तो जैकेट को हम नीचे रखते हैं और इसके ऊपर हम ब्लाउज को रखते हैं। जैसे आप ब्लाउज पहनते हैं तो आपका जो ये पीस है इस तरह से आएगा, ये शोल्डर पर और दूसरा साइड दूसरा शोल्डर। अगर आप जैकेट को और भी लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसकी हाइट और भी ज्यादा ले सकते हैं। स्लीव इस तरह से आएंगे। तो इसको आप कॉलर को अटैच करेंगे तो कॉलर आपका इस तरह से राउंड फुल कॉलर रहेगा। आप इसको थोड़ा सा स्टिचिंग जब हम करेंगे तो ये इस तरह से फोल्ड आएगा स्टिचिंग में। और ये आप यहाँ पे या तो हुक लगा सकते हैं या फिर आप सो बटन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दो लूप बना के हुक्स बटन लगा ले, नहीं तो हुक्स लगा ले। तो आपका ब्लाउज इस तरह से दिखेगा, ये जैकेट इस तरह से आएगी आपका, ये पूरा प्रिंसेस कट आपका फ्रंट में दिखेगा और बैक साइड में हाफ दिखेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।